रिवाड़ी शहर के हरचंदपुर गांव में एक नई मोटरसाइकिल पर युवक को बैठने से मना किया तो दूसरे युवक ने धारदार हथियार से युवक पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं घायल युवक के गले पर 3 से 4 बार हमला किया गया जिससे उसकी जान जोखिम में आ गई। युवक को गंभीर हालत में उसे भिवाड़ी के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहां से उसे डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है जहां पर युवक का इलाज जारी है। इस मामले को लेकर युवक के चाचा ने यूआईटी फेस्थर थाने मामला दर्ज करवाया है। भिवाड़ी में हरचंदपुर के रहने वाले घायल युवक राहुल पुत्र प्रीतम सिंह के चाचा रामोतार पुत्र शेर सिंह जाटव ने मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि 24 अक्टूबर को रात करीब 10 बजे उसका भतीजा राहुल पुत्र प्रीतम सिंह मोटरसाइकिल से भाटी कॉलोनी हरचंदपुर की तरफ से अपने घर आ रहा था। अचानक से रास्ते में रोहित उर्फ पोली पुत्र नारायण दत्त शर्मा निवासी हरचंदपुर भिवाड़ी ने उसको रोककर हमला कर दिया और रोहित ने उसके भतीजे राहुल के गले पेट और हाथ पर उस तरह से कई बार वार किए। उसके गले को काटकर जान से मारने की कोशिश की गई जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। सूचना लगते ही घायल राहुल को सीएचसी भिवाड़ी में भर्ती करवाया गया जहां से उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। रोहित उर्फ पोली ने उसके भतीजे के साथ कुछ दिन पहले भी मारपीट की थी और उन दोनों के बीच टूटू मैमें भी हो गई थी। उसके भतीजे राहुल को भाई प्रीतम ने जिस दिन से नई मोटरसाइकिल लाकर दी है उसी दिन से रोहित उसके भतीजे से खुश नहीं है। उसके भतीजे ने रोहित को एक दिन अपनी मोटरसाइकिल पर बैठने से मना कर दिया था तब रोहित ने उसके भतीजे को उसकी धमकी दी थी कि तुझे जान से मार दूंगा। रोहित ने आज उसी दिन का बदला लेने के लिए जान से मारने की नियत से बार बार राहुल के गले रेतने की कोशिश की जिससे राहुल की मौत हो जाए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है।